सोशल मीडिया पर ताजा वायरल सनसनी है ये तस्वीर। जरा नजर भर देख लीजिए इस तस्वीर को, क्योंकि सियासी तौर पर यह तस्वीर खासी अहम कही जा सकती है, खासकर तब जब दौर चुनावों का हो। इस तस्वीर में टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के साथ हाथ मिलाते दिख रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह तस्वीर अमित शाह फैन टीम की तरफ से डाली गई है। इस तस्वीर को दिखाते हुए ये दावा किया जा रहा है कि महेंद्र सिंह धोनी ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है और जल्द ही वो चुनाव लड़ सकते हैं। अब सवाल ये है कि क्या वाकई धोनी ने बीजेपी को ज्वाइन किया है? क्या धोनी लोकसभा चुनाव में अपनी दावेदारी पेश करने वाले हैं? तेजी से वायरल हो रही माही और अमित शाह की तस्वीर चुनावी माहौल में चर्चा का विषय बन गई है। इस तस्वीर के जरिए दावा किया जा रहा है कि माही ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। जाहिर है ऐसे में जरूरी हो जाता है इस वायरल तस्वीर में किए जा रहे दावों की पुख्ता पड़ताल की जाए। हमने सबसे पहले इस तस्वीर को गौर से समझने और परखने की कोशिश की। जरा एक नजर फिर इस तस्वीर पर डालिए। तस्वीर में महेंद्र सिंह धोनी बाईं तरफ खड़े हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह दाईं तरफ हैं और उनके ठीक पीछे बीजेपी के एक और कद्दावर नेता और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल खड़े हैं। अमित शाह गर्मजोशी के साथ धोनी से शेक हैंड कर रहे हैं। फोटो में धोनी ने जींस और व्हाइट कलर की हाफ टी शर्ट पहन रखी है। सबसे पहले हमने नेट पर गूगल किया कि हाल फिलहाल क्या अमित शाह और धोनी की कोई मुलाकात हुई थी, क्या इस तरह की खबर वाकई नेट पर मौजूद है। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी के भाजपा में शामिल होने की कोई खबर हमें नेट पर नहीं मिली। जो मिला वो इस तस्वीर में किए जा रहे दावों से जुड़ी खबर थी। जाहिर है अगर महेंद्र सिंह धोनी बीजेपी में शामिल हुए होते तो ये खबर यकीनन सुर्खियों में होती, लेकिन ऐसा नहीं था। ऐसे में इस तस्वीर की प्रामाणिकता पर शक होना लाजमी था, क्योंकि इस तस्वीर को वायरल करते हुए जो दावा किया जा रहा था वो बीजेपी में धोनी की सियासी पारी से जुड़ा था। सवाल ये था कि क्या अमित शाह और धोनी की कोई ऐसी मुलाकात पहले कभी हुई थी। हमने एक बार फिर इन्हीं कीवर्ड्स के साथ गूगल किया ताकि शाह और धोनी की मुलाकात के बारे में पता लग सके। इस बार हमें सफलता मिली। और अब दूसरी तस्वीर देखिए। आप देख सकते हैं कि ये कुछ कुछ वैसी ही तस्वीर है जैसी वायरल हो रही है। हालांकि इस तस्वीर में बैकग्राउंड बदला हुआ है, लेकिन यहां भी धोनी ने वैसी ही टी शर्ट पहन रखी है जैसी कि वायरल तस्वीर में दिख रही है। इस तस्वीर में भी धोनी ने सफेद टी शर्ट और जीन्स पहनी हुई है। तो आप हमारे सामने दो तस्वीरें आ चुकी थी। तस्वीर नंबर एक जिसमें माही और शाह हाथ मिलाते हुए दिख रहे हैं, और तस्वीर नंबर दो जिसमें अमित शाह धोनी के साथ एक बुकलेट दिखाते हुए खड़े हैं। यहां भी उनके साथ केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल मौजूद हैं। अब इस बात में कोई शक नहीं था कि ये तस्वीर दरअसल एक ही मौके की है। हमारी पड़ताल में यह भी पता चला कि ये तस्वीर दरअसल 5 अगस्त 2018 की है। अब आपको इस तस्वीर के पीछे की पूरी कहानी बताते हैं। 5 अगस्त 2018 को अमित शाह ने महेंद्र सिंह धोनी से मुलाकात की थी। बीजेपी के संपर्क फॉर समर्थन कार्यक्रम के तहत शाह माही मिले थे। अमित शाह ने धोनी को एक पुस्तिका भी भेंट की थी। तो हमारी पड़ताल में ये साफ हो चुका था कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस तस्वीर में किए जा रहे दावे बिल्कुल झूठे हैं। फिलहाल कैप्टन कूल ने बीजेपी का दामन नहीं थामा है। टीम न्यूज़ नेशन।